हेलो गाइस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और अगर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्ट्रांग है तो डीआई भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेशियो के। अ सम ऑफ मनी इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 7, 6 and 12। इफ़ ए एंड बी टूगेदर गेट 50 मोर देन सी, देन अमाउंट रिसीव्ड बाई ए इज़। तीन लोग हैं, ए बी और सी, लिख लेते हैं। ए बी एंड सी, इनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 7, 6 and 12, 7, 6 and 12। ए एंड बी टुगेदर गेट 50 मोर देन सी, इन दोनों को सी से 50 ज़्यादा मिल रहा है। रेशियो में कितना ज़्यादा मिल रहा है अगर देखेंगे, इनका रेशियो 7 और 6 का, एक का रेशियो 50 के बराबर है, 1 रेशियो की वैल्यू 50 हो गए, तो अमाउंट रिसीव बाई ए इज़ पूछ रहा है। तो ए को कितना मिलेगा जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, रेशियो कितना है ए का 7, तो 7 × 50 करेंगे तो 350 आंसर है हमारा, ए को 350 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ सम ऑफ मनी इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो 5 to 4 and 3। इफ़ सी गेट्स 1000 मोर देन डी, व्हाट इज़ बी शेयर। ठीक है, चार लोग हैं, ए बी सी डी, लिख लेते हैं। ए बी सी एंड डी, रेशियो 5 to 4, 3। सी को 1000 ज़्यादा मिल रहा है डी से, ठीक है। रेशियो में कितना ज़्यादा मिल रहा है? 4 है इसका 3 है, 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो गई? 1000 हो गए। अब व्हाट इज़ बी शेयर पूछा है, बी का रेशियो क्या है? 2 है, तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 हमारा आंसर हो जाएगा, 2000 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ 252, ठीक है। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ थ्राइस द सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज़ 2/3 ऑफ द फर्स्ट, देन द सेकेंड नंबर इज़। 3 नंबर का तो सम दिया है 252, क्या बोला है? 3 नंबर पहले लिख लेते हैं, 1, 2 and 3। फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकेंड, ये पहला हो गया तो ये इसका 3 गुना यानी 3 हो गया। एंड थर्ड नंबर इज 2/3 ऑफ द फर्स्ट, ये थर्ड जो नंबर है, पहले वाले का जो रेशियो 3 है, इसका 2/3 कितना होता है? 3 से 3 से कट जाएगा, यानी ये 2 हो गया। तो रेशियो तो निकाल लिया हम लोगों ने, 3:2, 1:2। देन द सेकेंड नंबर इज, अब सेकेंड नंबर निकालना है तो पहले इन रेशियो का टोटल कर लेते हैं, 3, 4 and 6, टोटल 3x + 1x + 2x = 252। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6x का टोटल इज इक्वल टू 252, तो x क्या आएगा? 42, ठीक है। अब बोल रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देन द सेकेंड नंबर इज, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, 1 है × x 42, यानी कि 42 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ कॉलेज देयर आर 48 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5:3। हाउ मैनी गर्ल्स टू बी एडेड इन द कॉलेज सो डैट द नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज 6:5। ठीक है, कोई कॉलेज है, 48 स्टूडेंट्स हैं उसमें टोटल, और द नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 5 और 3। अब बोल रहा है कितनी और गर्ल्स ऐड किया जाए तो रेशियो बन जाए बॉयज़ और गर्ल्स का 6:5, यही है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में सिर्फ गर्ल्स पे चेंजेस करने बोल रहा है ना, तो सिर्फ गर्ल्स पे चेंजेस रहने देंगे, बॉयज़ तो समान ही रहना चाहिए, तो रेशियो समान कर देते हैं, 5 को या तो 6 बना दो या 6 को 5 बना दो। तो ये कैसे बनाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे 5 से मल्टीप्लाई, इससे होगा ये कि बॉयज़ जो है सेम हो जाएंगे। कैसे सेम होंगे, अब नया रेशियो बना देते हैं बॉयज़ और गर्ल्स का, 5, 5, 6 are 30, और ये जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी होगा, और यहाँ 18 हो जाएगा, और ये 6, 5 are 30,
और ये 5 5 25। तो अब बॉयज़ हमारे सेम हो गए 30 30, और चेंजेस तो गर्ल्स में हुआ है। तो गर्ल्स कितना बढ़ गई, पहले 18 से 25 हो गई। डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, 7 का है ना। तो बस क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मैनी गर्ल्स टू बी एडेड, तो उनका रेशियो बन जाए 6:5, 7, यही आंसर है। 7 गर्ल्स हम ऐड करेंगे तो रेशियो बन जाएगा 6:5, 7 गर्ल्स, यही हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।